आठ तहसील में अवैध वसूली एवं भ्रष्टाचार को लेकर उप जिला अधिकारी के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल। कांठ तहसील में वकीलों के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं बदकारियों की समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं ने कलम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। वकीलों का कहना है कि उप जिला अधिकारी कांठ के न्यायालय में प्राइवेट कर्मचारियों के द्वारा कागजों से छेड़छाड़ की जाती है एवं कंप्यूटर खतौनी प्राप्त करने के लिए अवैध वसूली होती है। क्या नाम है? तेज राम। आज आप यहाँ किस संदर्भ में आए हो? तो मेरी है कल को। हाँ, ये जो मुचरकों की चल रही है हमारी। अच्छा, 107 की फाइल चल रही है। अच्छा, तो फिर क्या मामला आज? क्या 12 तारीख में ले चुका। हाँ, 12 तारीख मैंने वकील साहब से भाई। अच्छा, 12 तारीख ले चुका। अच्छा, तो आज आपसे क्या मांग की गई अंदर? 600 रुपए। किसने मांगे ये 600 रुपए? उन्होंने कह रहे हैं 600 रुपए लेके क्या करेंगे? अच्छा, किस नाम की फाइल है तुम्हारी? ये राम और वीरवती नाम की। महिला भी है इसमें? अच्छा, तो 600 रुपए की मांग की गई है आपसे? 200 रुपए एक नाम पे। तो अच्छा, ये एसडीएम कांठ के न्यायालय में। ठीक है, गांव कौन सा आपका? बुलड़िया। और थाना? कांठ। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है, यही नहीं, उप जिला अधिकारी कांठ न्यायालय में धारा 107, 116, 151 CRPC के वादों में पीड़ित व्यक्तियों से अवैध वसूली की जाती है, जिससे परेशान होकर अधिवक्ता आज कलम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। देखिए, हमारा उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यशैली, उनके अधिवक्ताओं के प्रति अभद्र व्यवहार को लेकर हमारी बार एसोसिएशन लगभग 3 महीने से स्ट्राइक पर है। उनके न्यायालय का बहिष्कार किए हुए हैं और हमारी कलमबंद स्ट्राइक चल रही है। और उप जिलाधिकारी महोदय बात करें कि समस्याओं को लेकर अधिवक्ताओं के प्रति जो अभद्र व्यवहार करती हैं उससे क्षुब्ध हैं। उप जिलाधिकारी महोदय बात करें से दुष्प्रचार करती हैं कि मुकदमों में किसी अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, ये दुष्प्रचार फैला रही हैं। हमारे कंप्यूटर खतौनी में जो फर्द 20 रुपये शुल्क वसूल करवा रही हैं, ये उसका सरकारी शुल्क। संबंध में जो हड़ताल चल रही है, इसके कहीं आपको सूचना दी, कहीं शिकायत करी आपने शासन प्रशासन को? हमने शासन को भेज दी है, प्रशासन को भी भेज दी है, DM साहब को भेज दी है, कमिश्नर साहब को लेटर भेज दिया है, हमारे प्रतिनिधि विधायक महोदय को भेज दिया है। इसकी सूचना हमने अपने जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजपाल सिंह जी को भी दी है, वो आए भी थे और हमें कई पार्टियों का समर्थन भी है। अच्छा, इस अब तक कोई समाधान हुआ नहीं हुआ? अभी इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, बल्कि इस समस्या को और बढ़ाते हुए SDM कांठ ने हमारे जो परिसर से एंट्री गेट हैं दोनों में ताले लगवा दिए हैं, जिससे बाधकारी और विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। 1 किलोमीटर का फासला पार करके जाना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे बता रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, सरकारी कागजी उनके हाथ में है, उनसे छेड़छाड़ कर जा रही है, क्या बात सत्य है? बिल्कुल सही है, ये सारे कागजात प्राइवेट लड़कों पे हैं। किसी भी लेखपाल को ले लो, सब ने दो दो प्राइवेट लड़के रख रखे हैं, सारे ऑफिसों में प्राइवेट लड़के हैं, गोपनीयता भंग करते हैं, कहीं भी त्रुटि करके आने वाले बाधकारी से ग्रामवासियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। और जो हमारे यहाँ 107 की 151 की प्रक्रिया है, उसमें लगभग मुचलकों पे 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पर व्यक्ति ले रहे हैं। अच्छा, एक बात हो रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि जैसे माननीय न्यायालय द्वारा आदेश किए गए हैं, 2-2 साल के कच्ची ठेबंदी, धारा 116 की फाइलें हैं, उनमें कोई रिपोर्ट नहीं लगी, बाधकारियों से पैसे वसूले जाते हैं, जिससे पैसे ले लिए जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं, अन्यथा उनकी 2-2 साल की ऑर्डर हुई फाइलें ऐसे नहीं बात सकती है? बिल्कुल, सारी फाइलें ऐसे ही हैं, अभी तक कच्ची ठेबंदी भी नहीं हुई है, 2-2 साल बीत चुके हैं। और अब SDM महोदय ने ये किया है कि गांव में जाकर चौपाल लगा रही हैं, जिसमें पर्सनल नंबर उनका ये देता है, उनका असिस्टेंट देता है, और बाधकारी को बुलाया जाता है और उससे धन उगाही की जा रही है कि 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 दो, हम फैसला आपके हाथ में कर देंगे। अच्छा, जैसे जब ग्राम चौपाले लगाए जा रही हैं, ग्राम चौपाल से पहले या चौपाल के बाद जहाँ जहाँ लगाएँ, क्या वहाँ कुछ दिशा या दशा में कोई अंतर आया है उसके बाद में? कोई अंतर नहीं आया, और बिगड़ी है दशा, क्योंकि लगभग 80 से 1 लाख रुपए तक जो ग्राम चौपाल में खर्च करा रही हैं ग्राम प्रधान का, वो ग्राम विकास में काम आता, वो अपने निजी स्वार्थ में लगवा रही हैं, इससे भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है। जो अवैध उगाही चल रही है, हमारे पास एक वीडियो है, उसमें 107 की फाइल ख़त्म करने के 600 रुपये उनके कनिष्ठों द्वारा मांगे गए, SDM महोदय ने मंगवाए,
या कैसे अगुवाई कर रही हैं ये वो अड़ताली। अच्छा एक बात हो रहा है, एसडीएम कार्यालय के आगे भीड़ लगी रहती है, जनता को दो दो तीन तीन दिन में नहीं मिला जा रहा, ये बात भी सत्य है? हाँ, एसडीएम महोदय के जो गनर और अड़ताली हैं वो विकलांग व्यक्तियों को भी धक्के मार के हटा देते हैं, एसडीएम से नहीं मिलने देते। और कोई एप्लीकेशन अगर कहीं से आ रही है तो उसको इंडोजमेंट के लिए, जन्म प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन हो, मृत्यु प्रमाण पत्र की एप्लीकेशन हो, उसके इंडोजमेंट के लिए भी 50 रुपये पर एप्लीकेशन वसूल कर रहे हैं। बस बाकी तो हमारा धरना प्रदर्शन है, हमारी तो न्यूज़ चैनल से यही रिक्वेस्ट है कि इसे आगे फॉरवर्ड करें और अधिकारियों को जगाएं, जो सोए हुए अधिकारी हैं उन्हें जगाएं और इससे अवगत कराएं। अच्छा आपकी तरह आपकी तरफ से तो एसडीएम के लिए कई बार पहल की जा चुकी है लेकिन एसडीएम की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठा? हाँ, हमारे भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता श्री ऋषिपाल सिंह ने भी इसमें प्रयास किए, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक श्री राजेश कुमार चुन्नू जी ने भी प्रयास किए, लेकिन एसडीएम महोदय किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, हठधर्मिता पर उतरी हुई हैं और उनका व्यवहार बहुत ही गलत और अनैतिकपूर्ण है। धन्यवाद।